विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर आगाह किया है कि अगर वहां से निवेश मिल रहा है तो हमें उस निवेश की सही तरीके से जांच करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैसे तो चीनी समस्या की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन भारत के सामने चीन एक स्पेशल समस्या है जो दुनिया भर की समस्या से अलग है। अमेरिका का उदाहरण देते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भी चीन को लेकर बेहद गंभीर है और सही भी है। भारत में चीनी निवेश को लेकर जयशंकर ने कहा कि वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन निवेश की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। चीन को एक अनोखी समस्या बताते हुए जयशंकर ने कहा कि ये एक अनोखी राजनीति और अर्थव्यवस्था है। अगर आज लोग चीन के साथ व्यापार घाटे के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि दशकों पहले हम सभी ने जानबूझकर चीनी उत्पाद की प्रकृति को अनदेखा किया। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो आपको दिखाते हैं। चाइना इन मेनी वेज इज अ यूनिक प्रॉब्लम बिकॉज इट इज अ यूनिक पॉलिटी, इट इज अ यूनिक इकोनॉमी। वी आर नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज हैविंग अ डिबेट अबाउट चाइना। लेट्स नॉट मेक आउट एज दो इट्स ओनली इंडिया व्हिच हैज अ चाइना प्रॉब्लम। इंडिया हैज अ चाइना प्रॉब्लम, अ स्पेशल चाइना प्रॉब्लम। तो इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स, और डॉक्टर जाकिर हुसैन है, विदेश मामलों के जानकार आप हैं। उमा, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की है विदेश मंत्री ने, किस ओर वो इशारा कर रहे हैं जरा इसको आप समझाइए, और चीन कैसे पूरी दुनिया के लिए एक रोग की तरह जो है वो बन गया है। जी देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बात कही है वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की बात है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के लिए तो एक विशेष समस्या चीन है ही, लेकिन पूरी दुनिया के देशों के लिए वो एक रोग बन गया है। अगर हम तथ्यों के हिसाब से देखें तो चीन की जो भारत के साथ जो उसने विवाद पैदा किया 2020 में, भारत चाहता है कि वो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति में जाए, यथास्थिति LAC पर बनाई जाए, लेकिन WMCC की 31 दौर की बातचीत के बाद भी इस तरफ बात बनती नजर नहीं आ रही। भारत के साथ न सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी समस्या है, क्योंकि चीन का जो व्यापार है वो भारत के साथ $118.4 बिलियन का है, जिसमें $16-17 बिलियन के आसपास भारत का जो निर्यात है वो है, और बाकी चीन से आयात होता है, तो एक व्यापारिक असंतुलन तो है ही। लेकिन जो बात विदेश मंत्री ने कही है इन सब बातों से ऊपर उठ के है, और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि दुनिया के देशों के लिए किस तरह से एक समस्या बन गया है चीन। अगर आप देखें तो चीन जो है वो उसकी जो सीमा है तकरीबन 17 देशों के साथ लगती है, और हर देश के साथ उसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट हो 14 देशों के साथ, या फिर अलग अलग देशों के साथ जो समुद्री सीमा को लेकर डिस्प्यूट है वो चलता है। अभी हाल में हमने देखा 2 दिन पहले कि किस तरीके से फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के जहाज को चीनी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने तकरीबन 3 बार टक्कर मारी, और वो इस तरह से एक बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरीके से वो टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। तो साउथ चाइना सी में जो चीन है अपना वर्चस्व दिखाता रहता है, वर्ल्ड ऑर्डर को जो एक वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर है उसको मानने की कोशिश नहीं करता, उस पर अपना ध्वंस दिखाता है, और ये एक बड़ी समस्या दुनिया के देशों के लिए है। दूसरी तरफ न सिर्फ सामरिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर वो भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, बल्कि वो राजनीतिक तौर पर भी अलग अलग देशों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने सुना कई बार कि अमेरिकी चुनाव में जो है वो दखल देने की चीन की तरफ से भी कोशिश की गई। तो ना सिर्फ सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये इन 3 तरीकों से चीन दुनिया के अलग अलग देशों को प्रभावित करता रहता है। जी बिल्कुल, जो पॉलिसीज हैं चीन की उमा वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। जी आखिरी बात ताबिश की, जी 57 देश जो है तकरीबन वो चीन की के कर्ज में डूबे हुए हैं, और चीन की एक रणनीति है कि वो कर्ज में पहले अलग अलग देशों को डुबाता है और फिर वहां से जमीन हथियाने की या कई तरह के जो उपक्रम है उसको हथियाने की कोशिश करता है। उसका एक नमूना हमने श्रीलंका में देखा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में विदेश मंत्री ने तमाम बातें रखी है कि कैसे जो चीन है वो दुनिया के लिए एक बड़ा रोग जो है वो बन गया है। जी बिल्कुल, अब जाकिर हुसैन साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि विस्तारवादी नीति की चर्चा बहुत होती है चीन की, लेकिन जैसे उमा ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि पहले निवेश करना फिर कर्ज में डुबा देना उन देशों को, ये भी एक चीन का जो है वो तरीका रहा है, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर विदेश मंत्री ने किया स्पेशल समस्या के तौर पर चीन को, आप कैसे देखते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बात सही है कि हमारी जो समस्या है वो चीन से स्पेशल है, वो हमारा बॉर्डर कंट्री है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो एक मंसूबे के तहत हमारी इकोनॉमी में इंटर हो रहा है, हमारे नेबरहुड कंट्रीज में जो है अपना जाल बैठा रहा है। तो हमको चीन को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए जैसे दुनिया की सारी कंट्रीज देख रही हैं। हमारे लिए चीन वाकई में एक स्पेशल प्रॉब्लम है,
लेकिन यहाँ पर हम ये एक बात और देखना चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का नज़रिया कुछ और नज़र आ रहा है, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का विदेश विभाग का जो नज़रिया है वो अलग हो रहा है। दोनों में एक डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है कि भारत चाहता है, फाइनेंस मिनिस्टर चाहता है कि चीन के पैसे को इनवाइट करके हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे, जिससे हमें रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट मिलेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और चाइना के सप्लाई चेन को जो है हम साथ में मिल के अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे में जो उन्होंने कहा था उसी का काउंटर कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। अब ये देखना है कि हमको जो है, उन्होंने ये भी कहा कि पीछे जो नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं वो जो है इकोनॉमिक इश्यूज को भी कवर करने लगे हैं। तो इसलिए जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी है क्या इकोनॉमिक इश्यू है। तो चाइना तो चारों तरफ से हमको घेरने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमने ये बात जो है 20 साल बाद रियलाइज किया है। हमको याद आता है कि जॉर्ज फर्नांडिस ने सबसे पहले कहा था कि चाइना इज आवर नंबर वन एनिमी। उस वक्त हम क्यों नहीं चेते थे, उस वक्त हम क्यों नहीं जागे थे, उस वक्त हम क्यों नहीं अपनी इकोनॉमी का जो प्लंडर कर रहा था चाइना, एक तरीके से आत्मनिर्भर की जो सारी पॉलिसीज थे खत्म कर रहा था, उस वक्त हमने सही पॉलिसी नहीं अडॉप्ट किया। और वो सही फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस वक्त तो हम जो है प्रॉफिट के चक्कर में, हम जो है ज्यादा जो है बेचने के चक्कर में चाइनीज माल लिया था, उसका असर अच्छा अब जाकिर हमारे हुसैन साहब, एक और बात यहाँ पर है जिसका आप जी। जिक्र कर रहे हैं, वो भी है, और ये भी वो कहते हैं विदेश मंत्री कि भारत में चीनी निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वो नहीं है, लेकिन निवेश की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। किस तरह से जांच होनी चाहिए, क्या वो यहाँ पर जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, इसको भी ज़रा आप समझाइए। देखिए, मतलब एक तरीके से चाइना का जो है कोर, हमारे कुछ कोर सेक्टर है वहाँ चाइना के इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे नेशनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते, जैसे पोर्ट पर है, जैसे और जगह, जैसे बांग्लादेश में किया या श्रीलंका में किया, जैसे आईटी में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जिससे हमें संचार प्रणाली, जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज हो, उस एरियाज में हमको नहीं इन्वेस्ट करना देना चाहिए, हमको मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स प्रोडक्शन में करना चाहिए। ये स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, और हम इसके लिए एक क्लियर गाइडलाइन चाइना को प्रोवाइड करें कि हम यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको देंगे, और बल्कि ना कि ये कि उनके इन्वेस्टमेंट को हम रोक दें। ये बहुत ही एक स्ट्रीमलाइनिंग स्टेप है, और ये ज़रूरी भी हमको लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी को चाइना को फ्री राइडर नहीं बना सकते कि कहीं भी आए आए इन्वेस्ट करे और फिर उसके बाद जो है हमारे पर ले। और चाइना के इन्वेस्टमेंट हमको इन्वाइट भी करना चाहिए, और उससे एक बार्गेनिंग करना चाहिए कि हमारा एक स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े, हमारे प्रोडक्ट को जो अपने चाइना अपनी कंट्री में रोकता है उसके लिए भी हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए, और हमारे साथ जो है ये भी अमन करना चाहिए कि चाइना की जो सप्लाई चेन है उसके साथ मिलकर हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भी बेच सकें, सिर्फ इन्वाइट ना करें बल्कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को हम एज ए लिवरेज की तरह इस्तेमाल करें। चाइना भी देख रहा है कि चारों तरफ उसके पास शिकंजे बढ़ रहे हैं, जैसे 57 कंट्रीज में वो लोन दे रखा है, और यूरोपियन यूनियन देखिए 400 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, सारी कंट्रीज के साथ उसका ट्रेड सरप्लस है, सारी कंट्रीज इससे डरी हुई हैं और वो एंटी चाइना मेजर्स ले रही हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना हमारी बात मानने को तैयार है अगर हम सही ढंग से अच्छा टेबल पर उमा बैठे। उमा आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगा, जो कि जाकिर हुसैन साहब ने जिक्र किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया चाइना की इस समस्या को कैसे देखती है जो ट्रेड के लिहाज से उत्पन्न होती है, थोड़ा तनाव जो है वो अमेरिका के साथ इनका ज़रूर हुआ था, लेकिन बाकी मुल्क इसको कैसे देखते हैं और उनकी तरफ से क्या इसको लेकर जो है वो कहा गया है या किया गया है? एक अहम बात जो जाकिर साहब ने कही है वो कि जब रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो उन्होंने कहा था कि चीन दुश्मन नंबर एक है, लेकिन उस समय की जो हमारी पॉलिसी थी वो ज्यादातर पाकिस्तान के बरखिलाफ थी, पाकिस्तान ज्यादा फोकस में होता था। और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान आर्थिक तौर पे कहीं नहीं खड़ा है, हालांकि आतंकवाद के तौर पे पाकिस्तान से हमें खतरा बरकरार है, जिसको कि गाहे बगाहे चीन की तरफ से भी मदद मिलती रहती है, और इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए जो है वो पाकिस्तान और चीन के बीच की जो नज़दीकी है वो हमारे बरखिलाफ जाती है। तो एक अहम बात है। दूसरी बात ये भी है कि जब विदेश मंत्री ने बात की है चाइनीज सिस्टम की, तो चाइना में जिस तरह से वन पार्टी रूल है, जिस तरीके से वहाँ पे लेबर लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, कोई लेबर लॉ है ही नहीं, और इस सब के जरिए जो प्रोडक्शन, जो उत्पादकता वहाँ पे बढ़ाई जाती है और सस्ती दर पे जो चीज़ों को दुनिया के देशों में भेजा जाता है, तो इस तरह से जो खासतौर पे जो चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, अगर हम
अफ्रीकी देशों की बात करें तो वो भी चीन के गिरफ्त में आते जा रहे हैं और हर तरफ कहीं ना कहीं चिंता है। लेकिन चीन के पास पैसा इतना है, वो इस तरह से इन्वेस्ट करता है हर जगहों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, तो कई सारे देश जो है, हाल का उदाहरण जो है मालदीव्स का देखिए कि किस तरह से वहां पे निवेश को बढ़ाने की जो कोशिश है वो चीन की तरफ से की जा रही है। और आर्थिक तौर पर एक देश में घुसने के बाद वो उसका जो है सामरिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इस वजह से जो दुनिया के जो तमाम देश हैं उसको शक की निगाह से देखते हैं। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका की सीमा चीन से कहीं नहीं लगती, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर है वो चरम पर है और अमेरिका को ये लगता है कि चीन जो है वो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की कोशिश में, जिसकी कोशिश में चीन है भी। डीडॉलराइजेशन की बात में चीन जो है वो हमेशा शामिल नजर आता है जब रूस इसकी बात करता है, तो एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर चीन अपनी धौंस दिखाता ही है। सामरिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर वो किस तरीके से अलग अलग देशों में अपना सैन्य अड्डा और पैठ जो बनाने की कोशिश में जुटा रहता है वो सभी देखते हैं। और राजनीतिक तौर पर भी, जिसका कि मैंने जिक्र किया कि कई देशों की चुनावी प्रक्रिया में वो पीछे से जो एक 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 पैठ बनाने की कोशिश करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है और साइबर अटैक्स के जरिए भी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में विदेश मंत्रालय मंत्री का जो बयान है काफी अहम है कि दुनिया के देश जो हैं उसके लिए चीन जो समस्या है वो तो है ही, और भारत के लिए खासतौर पर, जैसा कि जाकिर हुसैन साहब ने भी कहा कि भारत के लिए ये ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन जो है उसका खतरा लगातार हमारे एलएसी पे बना हुआ है और तमाम बातचीत के बावजूद भी वो जो है पीछे हटने को तैयार नहीं। हाँ, एक बात अभी जो बयान में आई है उसमें नैरो डाउन करने की बात जरूर आई है, लगता है कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जब तक पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं होता तब तक भारत जो है वो साफ कर चुका है कि भारत और चीन के रिश्ते जो है वो सामान्य नहीं हो सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमा आपका, जाकिर हुसैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चीन और भारत के साथ कुछ ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क है, लेकिन चीन की जिस तरह से नीतियां रही हैं वो पूरी दुनिया जो है उस पर नज़र बनाए रखती है। भारत के लिए एक स्पेशल अनोखी समस्या के तौर पर जो है इसको देखा जा सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसको लेकर जो है ये टिप्पणी यहाँ पर की है, तो ये महत्वपूर्ण खबर है चीन को लेकर।